हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने एक पेपर का रोल बना लिया था, इसे इस तरह फोल्ड कर लिया है पेपर को, और उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड करके पेपर का एक रोल बना लिया। आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए पेपर की थिकनेस उस हिसाब से होनी चाहिए। मैंने ये वुल लिया है, इसमें हल्का सा फर है, मुझे थोड़ा सा फ्लफी सा फ्लावर चाहिए था इसलिए ये वाला वुल लिया है। आप नॉर्मल वुल से भी बना सकते हैं या इस वुल से भी बना सकते हैं, इससे फ्लावर बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। ये वुल आपको इस सीज़न में आराम से किसी भी वुल वाली शॉप पे मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक टाई कर लेना है डालकर, और उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड काट कर हटा देना है, और उसके बाद वुल को पेपर पे रोल करते जाना है। 30 टाइम्स रोल करना है, क्योंकि हमारे फ्लावर में 6 पेटल्स होती हैं इसलिए उसे 30 टाइम्स रोल करना है। ये देखिए, इस तरह करते जाना है। ये फ्लावर सचमुच बहुत ही सुंदर बनता है। आप इस फ्लावर्स को कहीं भी लगा सकते हैं, लाइक घर में डेकोरेशन के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स बनाकर, या फिर आप इसे अपने किसी डेकोर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने कुर्ते में भी लगा सकते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत सुंदर लगता है। या फिर ये फ्लावर्स ही आप बहुत सारा बनाकर और उसके बाद उसे जॉइन करके भी टेबल मैट या कोस्टर्स या टेबल कवर कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे रोल कर लिया है, और इसके बाद एंड में इसमें एक गीट मारकर और बाकी के एक्स्ट्रा वुल को हटा देना है। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और जो फ्लावर बनेगा वो एकदम बाजार जैसा बनेगा। और अगर आपको स्टिचिंग ये सब नहीं आती है, फिर भी आप ये फ्लावर बहुत आराम से बना सकते हैं। बच्चों की ड्रेस में लगाने के लिए भी ये फ्लावर बहुत सुंदर बनते हैं, या फिर आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने फ्लावर बना लिया। अब क्या करना है कि 6 लाइन्स को, लाइक आपको 6 लाइन गिनना है, और उसके बाद सुई को इस तरह 6 लाइन में डालते हुए ऐसे निकालना है, और उसके बाद फिर से पीछे से ही घुमाते हुए 6 लाइन में फिर से डालना है, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो एक साथ रहे और 6 पेटल ऊपर अलग दिखाई भी दें। ये देखिए, इसको इस तरह घुमाते हुए इस तरह टाई कर देना है, नीचे से उसको थोड़ा खींच लेना है, ताकि आपका जो फ्लावर है वो नीचे से, मतलब बीच से पूरा एक साइड से दिखाई दे। अभी आप देखिएगा, ये देखिए, इसको इस तरह खींचना है, हर बार खींचते जाना है और हर बार पूरा पीछे से लेते हुए फ्लावर को बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, बस इसको इस तरह करना है, और इसके बाद इसे खींच कर वुल को पेपर से बाहर निकाल देना है, और आपको पूरा एक फ्लावर का शेप मिलेगा, और ये बहुत ही सुंदर क्यूट सा फ्लावर बनेगा। उसको बस एक साथ करके टाई अप कर देना है। ये देखिए, और हमारा फ्लावर बनके तैयार भी हो गया, मिनटों में बन गया। ये देखिए, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना शाइनी सा, सुंदर सा। इसे अगर आप बच्चों के स्वेटर पे या लगाइए, या अपने भी स्वेटर्स पे आप लगाओ तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे पीछे करके टाई अप कर दिया, और इससे ये कभी भी खुलेगा नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से गांठ मार दीजिए, बस ये खुलने का इसका कोई भी चांस नहीं होता। और मैंने इसमें सेंटर में एक वाइट पर्ल लगाया है। वाइट पर्ल लगाने से इसकी ब्यूटी और बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेड है, रेड पे वाइट बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, अब आप इसे किसी भी वाइट कलर पे या येलो कलर के कपड़े पे या ग्रीन कपड़े पे इनफैक्ट लगाओ तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, बस हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। मैंने बस पर्ल को फिक्स करने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा गांठ मारी है, ताकि वो परमानेंट हो जाए और निकल के गिरे नहीं। बस हो गया, हमारा फ्लावर बन गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आगे से कितना प्रिटी लग रहा है। ये देखिए, ये मेरा फ्लावर बनके तैयार हो गया, और ये कितना सुंदर लग रहा है।
इस तरह के दो तीन फ्लावर बना के आप अपने बच्चों के हेड के बो भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।